अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो वो मास्टर के लिए स्कॉलरशिप है। तो ये जो है थाईलैंड की एक स्कॉलरशिप है। तो मुझे तो मतलब प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या बनेगा। तो मेरी थाईलैंड की दोस्त से मैंने पूछा, जो चाइना में मेरी दोस्त बनी मास्टर करने के दौरान, तो मैंने उससे पूछा कि हाउ वी विल प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इसका नाम बनता है चुलाभोम इंस्टीट्यूट, इसका नाम है। तो वो कहती है काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है थाईलैंड का, काफ़ी फेमस है। तो इसमें जो है जो स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यह है कि आपकी एज जो है 30 से अबव ना हो। 30 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। 30 तक अगर आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 30 से नीचे हो, 30 तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 30 से अगर आप अबव हो तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो CGPA है 2.75, अगर आप परसेंटेज में जानना चाहते हो कि 2.75 CGPA, तो तकरीबन ये लगभग 80 के करीब बनता है। तो 80% अगर आपकी है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। 80 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है कौन कौन से लोग जिन्होंने किस फील्ड में बैचलर्स किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है साइंसेज है, जनरल साइंसेज है, उसमें फिर आपका है केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी में फिर सब कुछ आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया, या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी फील्ड है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल साइंस में मेडिसिन और मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी में आपने किया हुआ है बैचलर्स, या फार्मास्यूटिकल साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन फील्ड में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इस मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सी फील्ड में आपको मास्टर कराया जाएगा, तो तीन फील्ड इन्होंने दी हुई हैं जिनमें आपका मास्टर कराया जाएगा। उनमें से एक है वह अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस, और सेकंड है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, और जो थर्ड है वह है केमिकल साइंस। तो ये तीन फील्ड्स हैं जिनमें जो है आपका कराया जाएगा मास्टर्स आपको। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें मस्ट अप्लाई करें। अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्हें थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ है, जो अपनी फील्ड में थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है, तो आप अपने जो है आपने जो थीसिस लिखा है, आप ग्रुप लीडर थे तो आप अपनी एप्लीकेशन में इस चीज़ को मेंशन करें। उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप अगर बनवा लेते हैं तो आप उसमें ये चीज़ दिखाएं, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ रिसर्च होता नहीं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है रिसर्च का तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सेकेंड जो इसमें चीज़ है IELTS और TOEFL, जिनके पास है उनको प्रेफर किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि होना चाहिए, मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए, प्रेफरेबल है कि आपके पास IELTS और TOEFL होना चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो और आपके पास जॉब नहीं है, या फिर अगर जॉब है तो सैलरी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई ऑन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है IELTS और TOEFL तो इसको आप ट्राई करो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ट्राई ना करने से बेहतर है ट्राई करो आप इसको, हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड आपकी एप्लीकेशन पे करेगा, और आपके अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई इवन विदाउट IELTS एंड TOEFL अगर आपके पास नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट पहले आपको ईमेल करके सेंड करने हैं, स्कैन करके मतलब पहले तो फिल करेंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, आपको लिंक जो है मैं इस वीडियो की उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी स्कॉलरशिप की सारी डिटेल। तो इसमें दो हैं, एक नॉन एशियन और एक एशियन है। तो जो हम पाकिस्तान ज़ाहिर एशिया में आता है तो अब एशियन वाले में अप्लाई करना, नॉन एशियन में नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें आपका एशियन का फॉर्म अलग है, नॉन एशियन का अलग है। तो आपको फॉर्म है दो, एक मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म है, वो आप जो हो आपको वो बनवाना पड़ेगा पाकिस्तान से, किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, उसको बोलें कि मुझे बनवा के दें, क्योंकि आजकल कोरोना भी है तो हॉस्पिटल जाना थोड़ा, टेस्ट वगैरह करवाना भी थोड़ा वो है। तो आप उसको बोलेंगे मुझे ये फॉर्म और साइन करके स्टैम्प करके दे, मुझे स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। तो अगर वो करके देता है तो अच्छी बात है, कोई जान पहचान आपकी है, ऐसे ही चले जाएँ, जान पहचान नहीं है। जब मुझे चाइना के लिए चाहिए था तो मैं ऐसे ही चला गया था डॉक्टर के पास, मैंने कहा फिलहाल मुझे एप्लीकेशन के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती तो फिर तो मुझे टेस्ट वैसे ही करवाना था, लेकिन तब तक ये था कि वो एक्सपायर हो जाता क्योंकि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए था। तो मैंने डॉक्टर से स्टैम्प लगवाया और साइन करवाई। तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, किसी डॉक्टर को अगर जान पहचान है तो रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये फॉर्म फिल करके आप स्टैम्प और साइन करके दें, तो करके देता है तो अच्छी बात है। तो आपको डॉक्यूमेंट पहले स्कैन करके ईमेल करके भेजने हैं, उसके अलावा पोस्ट करके भेजने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कहाँ भेजने हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में। तो जी ये जो है
ये वाली वो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है। पहले आप ईमेल करके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप इस ईमेल पे भेजेंगे, उसके बाद आप पोस्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फुल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर्स की, आपने वो भेजनी है, आपने जिसमें दिखाना है कि मतलब जिसमें पूरी आपकी डिटेल हो मार्क्स की, ठीक है। थ्री रिकमेंडेशन लेटर्स, अब ये कहाँ से मिलेंगे थ्री रिकमेंडेशन लेटर्स, जहाँ से आपने बैचलर्स किया है वहाँ के तीन डिफरेंट प्रोफेसर के पास आपने जाना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आई नीड रिकमेंडेशन लेटर, तो वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर बना के देंगे। तो वो तीनों तीन डिफरेंट प्रोफेसर से आपने लेना है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सपेंडिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टडी, तो ये जो है आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे गूगल से। आप थोड़ा सर्चिंग करो, फिर भी आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ लो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह बनाना है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट, और ये जो है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे ये फॉर्म पड़ा है, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक फॉर्म भी आपने अटैच करना है, वो भी आपको नीचे मिलेगा। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रिसर्च का, कहीं आपने रिसर्च की है, कोई चीज़ पब्लिश किया है, कोई पेपर पब्लिश किया है, कहीं रिसर्च रिलेटेड काम किया है, तो ये आप उसमें नंबर 5 में अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्म ये पड़े हैं, एक तो जो आपने ऊपर बताया मैंने आपको मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म, तो वो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या है। तो ये रहा मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म, यहाँ पे आप अपना नाम और ये डेटा और सारा डिटेल आप उसमें डालेंगे, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ब्लड प्रेशर, और कोई मसला तो नहीं है, नहीं करना है, और ये डॉक्टरों को सारी चीज़ें पता होंगी कि नॉर्मल बंदे का कितना होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर भाई स्किन जनरल जो है, स्किन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वो कमेंट लिख देगा डॉक्टर, टीथ नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, लंग्स नॉर्मल है, तो फिर यहाँ पे जो है ये थोड़ी बहुत यहाँ पे जो चीज़ पूछ रहे हैं जो है ये ट्यूबरक्लोसिस और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे डॉक्टर अपने थोड़े बहुत कमेंट लिखेगा कि सब कुछ ओके है। एंड देन यहाँ पे जो है आप डेट, और यहाँ पे जो है स्टैम्प, फिजिशियन जो है उसका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे आप डेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका फुल नेम और उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसका लिखेंगे डॉक्टर का, एंड दैट्स इट, आपको ये फॉर्म रेडी हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका ये वाला फॉर्म है एशियन सिटीजन, ये आप देख लें यहाँ पे लिखा है एशियन, एक दूसरी उधर वो है लिंक है उसमें है नॉन एशियन, तो आपने एशियन वाला करना है, ठीक है। तो ये एशियन का फॉर्म है, तो अब ये फॉर्म आप देख लें, यहाँ पे फोटो लगाना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टडी करना चाहते हो, यहाँ पे आपने टिक करना है, और यहाँ पे सारी डिटेल जो है आपका पर्सनल डेटा, मेल है फीमेल है, जनरल चीज़ें हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड, CGPA कितना था, मतलब सारा जो है आपने इंटर मतलब मैट्रिक का, इंटर का, और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपने कहीं जॉब की है, तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे फिल करके आपने इंग्लिश का भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे टॉफिल, और अगर आपके पास आयल्स और टॉफिल है तो उसका स्कोर लिखें, अगर नहीं है अदर स्पेसिफाई, तो कुछ अदर मतलब उसमें फिर आ जाता है इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, ठीक है। और ये फिर फाइनल आपने जो है ये सारा फॉर्म आपने फिल करके, ये एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है जहाँ पे आपने सेंड करना है इस एप्लीकेशन को। मैं जो हूँ आपको सब कुछ जो है ये जो लिंक है, ये वाली लिंक स्कॉलरशिप की डिटेल की लिंक, तो ये मैं आपको नीचे इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो वहाँ से जो है आप सारी ये डिटेल लेके आप इसमें अप्लाई करो। 30 जो है 30 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, और यहाँ पे नीचे जो है उनका ईमेल एड्रेस और ये दिया हुआ है नंबर भी, तो आप उनको कॉल करके या फिर इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके आप उनसे सारी चीज़ें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इनसे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।